छोटे होते मिसाल के तौर पर मोहल्ले में किसी घर में चीज बढ़ती थी, तो आज भी वो घर याद है? बोलो, आज भी वो गुजरते करने आप आ जाए तो नाना नीम लभदी होंगी सी, है ना, या तो फुलियाँ छोले लभदे होंगे सी, याद है? मेरे भाई, आप अपने घर को नान अलीम वाला घर क्यों नहीं बनाते यार? आपके घर के पास से लोग गुजरे के, हाँ यार, या तो मैं रोटी लभदी होंगी सी यार, या तो मैं सहरी अफतारी लभदी सी यार, ईद आँदी मैं गोश्त भी लभदा सी यार, छोटी ईद आती है मुझे कपड़े भी मिलते हैं। आपके घर में ऐसा क्यों नहीं होता यार? हमारे घरों में ऐसा होना चाहिए ना, लोगों को पता हो यार इस घर से मुझे रोटी मिलती है यार, इधर से मुझे राशन मिलता है यार, इधर से मुझे कपड़े मिलते हैं यार, मैं रमजान में मुझे सहरी अफतारी मिलती है, बड़ी ईद पे मुझे यहां से गोश्त मिलता है। हमारे घरों की पहचान होनी चाहिए यार। पहचान का फिर इंजाम क्या होगा? क्यामत वाला दिन होगा ना, तो जो गरीब है वो अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, कहेगा बारी ताला, ये तो वही बंदा है जिसके घर से मुझे रोटी मिलती थी, अल्लाह ये दोजख में जाऊं मैं जन्नत में जाऊं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तेरा इंसाफ तो यह है कि ये भी जन्नत में जाए और मैं भी जन्नत में जाऊं, ये तो अपने बच्चों का पेट काट के मुझे देता था। गरीब की दुआ आपके हक में कबूल हो जाएगी। आपको मौलवी सारे ये कहेंगे वो मस्जिद दे के जाओ उसी तकसीम करोगे, मैं आपसे कह रहा हूं अपने घरों में तकसीम करो भाइयों, अपनी फैक्ट्री में अपनी दुकान में तकसीम करो। आपके घरों का लोगों को पता होना चाहिए यार किस घर से मुझे सहरी अफतारी मिलती है। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।